नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निशु कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। चलिए हम अपना पेंट ओपन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा पेंट ओपन हो गया। तो देखिए, यहाँ पर जिस भी फोटो को पासवर्ड साइज बनाना है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पेस्ट फ्रॉम, और यहाँ से अपना लोकेशन चूज करके अपना फोटो ओपन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरा ये इमेज ओपन हो गया है। देखिए, सबसे पहले इसका ये काम करना है कि हमें जो पीछे बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। देखिए, इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर, और यहाँ दिखाई दे रहा है आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल, यह है। देखिए, इसको इस तरह से यहाँ से करके, देखिए बारीकी से इसको घुमाइएगा। देखिए इस तरह से, देखिए देखिए दोस्तों, इस तरह से घुमाइएगा। देखिए, अब कीबोर्ड में सिंपल डिलीट बटन दबा देंगे, यहाँ से आपका गायब हो गया। एक काम कीजिए, इसका बैकग्राउंड जो है ब्लू कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से ब्लू कलर चूज किए और फिल बकेट टूल लेकर इसमें फिल कर दिए। देखिए, अब हमें जो भी पोर्शन जो नहीं कटा है सही से, वो वाला दिखाई देने लगा। अब इस पर ब्रश टूल पर क्लिक करेंगे। अब ये वाला हमें ब्रश चूज करना है, ये वाला। देखिए, ये वाला, देखिए पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से, देखिए हेयर आपका कट रहा है इस तरह से। देखिए इस तरह से, काट लेंगे इस तरह से। देखिए, देखिए दोस्तों काट रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए इस तरह से आपको काटना है। इस तरह से बारीकी से काटिएगा। देखिए दोस्तों, बारीकी से काटिएगा इसको। देखिए हमारा फोटो कट गया है। अब क्या करेंगे, यहां से रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको इस तरह से सिलेक्ट करके इसमें राइट क्लिक करके क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसको कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करके और कीबोर्ड में सिंपल डिलीट बटन दबा देंगे। अब दोस्तों कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे इसको, यही फोटो को। देखिए, अब इस पर इसको देख लीजिए हमें कितना चाहिए। देख लीजिए दोस्तों, जितना
पार्ट की आवश्यकता है उतना ही कर रहे हैं इस तरह से। उसके बाद कट कर लीजिए और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। फिर कंट्रोल भी कीजिए पेस्ट। देखिए अब यहाँ पर ब्लैक कलर काला कलर चूज कीजिए, यहाँ से रेक्टेंगल टूल और यहाँ से साइज अपना देख लीजिए, ठीक है 5 पिक्सल वाला इस बार कीजिएगा और इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। देखिए बन गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए इसको इस तरह सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट। अब देखिए आया तो कट रहा है, तो सिलेक्ट में जाकर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए। इसको दोनों को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके कॉपी, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट। देखिए इसको एडजस्ट कीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, फिर ये चारों फोटो जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट। देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम ऊपर कर ले रहे हैं इस तरह से। देखिए हमारा 8 फोटो का कॉपी बन गया है और इसको प्रिंट कर लीजिए। देखिए बन गया। सेव करने के लिए फिर से वही स्टेप चूज कीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं फोटो फोटो और उसके बाद सेव।